हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो भाई मैं कभी भी ज़्यादातर अपना फेस नहीं दिखाती व्लॉग में, तो आज शुरुआत फेस से ही करते हैं। ये मैंने सिर पे आज ये बांध रखा है, ये देसी मोम की निशानी है और ये मैं घर पे ऐसे ही पहन के रखती हूँ, कंफर्टेबल सा लगता है मुझे। और नेल पेंट देखो अच्छी लग रही है। मतलब ये इसलिए बांधती हूँ मैं कि जब काम करती हूँ ना घर पे, तो एक तो बाल खाने वाने में ना डलें और दूसरा बालों में डस्ट ना जाए। कोई भी बालों की ज़्यादा केयर होती है, इनको बांध के ऐसे लपेट के गंदे ना हो बाल मेरे ज़्यादातर। इसलिए साफ सफाई बालों में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाल की वजह से बहुत अच्छा लुक आता है और इनकी केयर नहीं करेंगे तो ज़्यादा जल्दी बूढ़े लगने लग जाएंगे। खैर मेरे तो अभी तक टच वुड के भगवान की दया से सारे बाल काले, एक भी सफ़ेद नहीं है, और मेरी दोनों बहनों के एक आधे आधे बाल सफ़ेद है। क्यों पता नहीं, वो नज़ला आजकल ऐसा ही चलता रहता है, छोटे छोटे बच्चों के भी होते हैं। खैर मेरे नहीं है, मैं मुझसे बहुत अच्छी बात है ना, तो डेली कलर वलर लगवाना, वो मतलब 15-20 दिन में रूट टचअप करवाते रहते हैं लोग, उसमें पैसा भी बहुत वेस्ट होता है, दिमाग भी ख़राब हो जाता है। कहीं भी पार्टी में जाओ पहले रूट टचअप करवा के आओ। और मेरी मम्मी के भी मेरी मम्मी की डेथ 42 साल की हुई थी, तब 42 साल की थी, तो इतने जेड ब्लैक थे मेरे, इतने ज़्यादा काले नहीं है, ठीक है थोड़े से। मम्मी के तो इतने जेड ब्लैक काले थे, एक भी बाल सफ़ेद नहीं था मम्मी का मेरे। तो मैं शायद सबके अच्छे अच्छे गुण आ रहे मेरे सबके। देखो मेरी फैमिली में मतलब भाई फेयर कलर मेरा है। मेरे पापा सांवले रंग के थे, मेरी मम्मी भी ठीक ही थी, ज़्यादा गोरी नहीं थी। मैं बाकी मेरी दादा मेरे बहुत गोरे थे, दादी भी ठीक थी, क्योंकि मैंने दादी को बुढ़ापे में देखा, जवानी में देखा नहीं है। मेरी बुआ हैं जो, बुआ भी गोरी है मेरी, तो थोड़ा सा कलर उन पे चला गया। हाइट मेरी मौसी पे चली गई, मेरी मम्मी की मेरे से ज़्यादा हाइट थी, मेरी दोनों बहनें मेरे से ज़्यादा लंबी हैं और मेरी एक बुआ की हाइट कम है, बाकी दो की सही है। पापा की अच्छी हाइट थी मेरी, और मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी हाइट है, और मेरी बेटी की मेरे से भी 4 इंच लंबी हो चुकी है, इतनी यहाँ तक आती है। बेटा भी मेरे जितना हो चुका है, बस मैं हाइट हाइट मेरी जो है वो है कम है थोड़ी सी। बाकी आज हम करते हैं, आज है संडे का दिन और बेटी का एग्ज़ाम है मेरा, बेटे का भी कल, तो ये कर दिया एग्ज़ाम की तैयारी। और मैं आज पूरा घर समेटूंगी, क्योंकि सर्दियों का सब सामान रखना है मुझे। देखो कितनी सारी चादरें हैं, धुल भी गई हैं, कुछ ऊपर सूख रही है, सब इकट्ठी करके अभी थोड़ी देर में रख दूंगी, क्योंकि धूप काफ़ी तेज आज, और सब इकट्ठा करके सब सामान बेड में लगा दूंगी, सारे सर्दियों के कपड़े रख दूंगी, सब मैंने यहाँ पे रख दिया है जो भी रखना है बेड में। और खाना बना लिया हमने, दो बेड डाल रखे हैं, ये अभी थोड़ी सी फैसिलिटी के लिए डाल रखा है, क्योंकि अभी अच्छे से मैनेज नहीं हुआ घर, यहाँ पे बैठ जाते हैं हम, सामान रख लेती हूँ मैं, वहाँ पे भी बैठ के खाना खाते हैं, इमरजेंसी होती है जब ज़्यादा जने हो जाते हैं, सो भी जाओ, पंखा लगा हुआ है यहाँ पे। और ये जो एरिया रहता है ना यहाँ पे काम, ये थोड़ा गर्मियों में करवाएंगे, पूरी किचन को यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे, पूरा लकड़ी का काम इधर, और यहाँ पे रूम बनवा देंगे सामने जो है, और कंबल वगैरह सब धुल रहे हैं आज पूरा, मतलब साफ़ सफाई कर दूंगी, एक दो दिन में पर्दे धो दूंगी बस पूरे घर के, सब काम हो जाएगा मेरा ज़्यादातर। ये प्रेस के कपड़े आ चुके हैं मेरे, प्रेस में बाहर करवाती हूँ, सूटों पे ज़्यादा अच्छी होती नहीं प्रेस घर पे। और खिचड़ी बना रहे हैं हम, एक बार तो हम खा चुके हैं सुबह सुबह आलू पूरी, मैंने चाय ली थी, सबने दही ली थी, मेरे बेटे ने भी चाय ली थी, और ये कुकर में पता नहीं क्या हो रहा है, खिचड़ी बना रहे हैं अब दोपहर को, क्योंकि कल रात को डिनर भी हमने बाहर किया था और सुबह भी पूरी खाई थी, तो अब थोड़ा लाइट सा खाना। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है भाई, मम्मी का ऑपरेशन होगा, मम्मी की जो है पित्त की थैली में पथरी है। काम किचन का निपट चुका है ना, सारा निपटा चुकी है, काम साफ सफाई हो चुकी है, लाइट मैंने ऑन नहीं की है, और मम्मी कर रही हैं बात पापा से। टीवी का तार टूट गया है हमारा, डेविल ने काट दिया था, चल नहीं रहा, इनका मन नहीं लगा हुआ है, नाली मम्मी भी लेट रही है, भंडारे में जाने की बातें कर रही हैं, अक्षित नहाने गया है, और पूरा काम निपट चुका है। मेरे जो है बटेऊ जी वो शेविंग करवाने गए हैं, कंबल भी सब मशीन में दूंगी मैं, क्योंकि मेरे पास सेमी वाली है, ऑटोमेटिक नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं ले ही नहीं, मैंने ये वाला कंबल डिप करके रख दूंगी, डबल बेड का, काफ़ी बड़ी मशीन है मेरी, जो सबसे बड़ा साइज़ होता है ना वो वाली है, डिप करके रख के रात तक, सुबह इसको वॉश करके अच्छे से सुखा दूंगी, कंबल रजाइयाँ सब सुखा दी मैंने, ज़्यादातर सब काम निपट चुका मेरा सर्दियों का।
बस शाम को नैना गैस क्लीन करेगी, चिमनी क्लीन करेगी। अब थोड़ा किचन पे कम ध्यान देती हूँ मैं, मेरा मन नहीं लगता काम करने में, क्योंकि उधर ज़्यादा सामान वहाँ पे रहता है मेरा, आधा यहाँ पे, तो अच्छे से हो नहीं पाता। बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, नैना करती है ज़्यादा काम, बार बार में इधर से बर्तन लेके जाओ, उधर पे वहाँ पे जाके खाना बनाओ, यहाँ पे सब्जी काटो दो, फिर वहाँ जाके छोको, वो थोड़ा सा रहता है। ये वास्तु के हिसाब से हो रहा है सारा काम हमारा। अभी ये जितना भी किचन में ये पत्थर वत्थर है सब, गर्मियों में मतलब देखते हैं क्या रहता है, जून जुलाई में सब हटा देंगे, ये ऊपर से भी सब हटा देंगे, अलमारियाँ सब उधर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर रूम बन जाएगा, एक रूम बन जाएगा या ओपन रहेगी ऐसे भी है। फिर ये बेड वेड इधर आ जाएंगे, ये बेड डालना बहुत ज़रूरी है। एक तो बहुत जने बोलते कि तुम यहाँ पे तकत यूज़ करते हो, भाई यार इनको ना क्या है ना, इजीली उठा लेते हैं फटाफट से, सफाई भी हो जाती है नीचे से और मजबूत भी रहते हैं, खाट की तरह नहीं लचर पचर करते रहते हैं, तो खाट तो अंदर डालते नहीं, खाट से तेल पे स्क्रैच भी आ जाते हैं। चिट्टी ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रही है, यहाँ पे बैठ के आराम से जैसे दो पैर में अगर रूम में कोई बैठा हो तो हम किचन में बैठ के खाना खा लो, सो जाओ, पंखा चला के लेट जाओ, बच्चे बच्चे बैठे रहते, खेलते रहते गेम वगैरह। और ये मेरी शादी की अलमारी है, इसको मैंने बाहर पटक के रखा था कई सालों से, अब अंदर लेके आई हूँ क्योंकि अभी तो इसमें अच्छे से सामान लगाया भी नहीं है मैंने। ये अलमारी में थोड़े से ना प्रेस व्रेस के कपड़े, थोड़ा सा और आने दो, प्रेस व्रेस के कपड़े रख लेती हूँ, डस्ट नहीं जाती क्योंकि वो भी मेरी अंदर अलमारियाँ बनी नहीं है ना लकड़ी की, तो इसलिए इसमें सब नए कपड़े रख लेती हूँ। एक दो सिट्टे और आने दो, थोड़ा सा सही रहता है, इसलिए मैं काफ़ी परेशान रहती थी अलमारी की वजह से। इसको ठीक करवा के, पेंट वेंट करवा के अब अंदर खड़ा कर लिया हमने। एक दो सिट्टी, पता नहीं कुकर में क्या हो गया है, हाँ वो तो खाएंगे, पता नहीं इसमें सिट्टी सू सू करता रहता, दिखाना पड़ेगा कुकर को। अक्षित की तैयारी करवानी मुझे अभी पेपर की, और कपड़े सब लगा लूँगी आज मैं, और मेरे जो हस्बैंड आएंगे सेविंग करवा के फिर मैं बनाऊँगी वीडियो। ये देखो गुड़िया के बाल मेरे काफ़ी लंबे हैं, अभी तो धुले हैं ये, सूखने के बाद और भी लंबे लगेंगे, मेरे नहीं थे इतने बचपन में, मैंने गुड़िया की काफ़ी केयर की है बालों की, और अच्छा लगता है मुझे कि बाल लंबे हों, हेल्दी हों, अगर पतले होते तो मैं ज़्यादा ना रखती। ये मुँह बना रही है पढ़ाई कर रही है। तो बाय फ्रेंड्स, ये व्लॉग छोटा सा ऐसे ही पोस्ट कर दूंगी इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, आज का संडे का दिन था तो मैंने सोचा चलो अभी एडिट नहीं कर पा रही हूँ तो ऐसे ही बना के कर दूंगी। थोड़ी देर हम देखेंगे, अभी ये 1:15 है, 2 बजे तक 3 बजे तक बच्चे पढ़ेंगे, फिर हम एक या दो घंटा मूवी देखेंगे कोई भी, थोड़ा सा संडे में चिल हो जाएगा और कुछ नहीं बच्चों के साथ बैठ के। तो मैं कर लूँ अभी अपना काम, बाय फ्रेंड्स।